हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर फिटनेस वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे लैट्स का वर्कआउट कंप्लीट बिगनर के लिए। ना ज्यादा हैवी जाएंगे, ना ज्यादा लाइट जाएंगे, मतलब मेक श्योर अगर आप बिगनर हो तो मैं ये कहूंगा कि देखिए आप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मारे, सपोर्ट लेके मारे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो लैट्स का वर्कआउट करेंगे आज, पूरा दिखाते हैं, आप इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो। तो बने रहो वीडियो में, क्या क्या एक्सरसाइज है, क्या क्या शेड्यूल है, क्या क्या रैप है, सब देखना मजे लो। So, सबसे पहला जो हमारा सेट होगा वो होगा फ्री स्क्वाट्स। आराम से आपको फ्री स्क्वाट्स के तीन सेट लेने हैं, 20-30 जितने आपसे लगे उतने ही फ्री स्क्वाट्स मारिए। तीन सेट करिए इसके, 20-20 रैप निकालिए ज्यादा से ज्यादा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्म करके फ्री स्क्वाट किस तरीके से मारनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्री स्क्वाट मारने के बाद हम करेंगे डंबल स्क्वाट। इस तरीके से आपको डंबल लेना है और इस तरीके से आपको डंबल स्क्वाट्स लगाने हैं। मेक श्योर आप ज़्यादा भारी डंबल ना लें। इस तरीके से आप अपने 10-15 जितने आपकी जितनी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल स्क्वाट्स को लगाएं। अगली जो एक्सरसाइज होगी आपकी स्क्वाट्स। मेक श्योर आप सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि भारी वेट में मैं सपोर्ट लेता हूँ, इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस तरीके से आप अगली जो एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे वो होगी हमारी लेग प्रेस। लेग प्रेस मारते टाइम आप ध्यान रहे कि वेट ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि देखिए इसी में ज़्यादातर इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। मेक श्योर आपकी जिम में, अगर जिम और जो मशीन है वो सपोर्टिव नहीं है, तो आप पीछे एक बंदे को लेके सपोर्ट लगा के स्क्वाट्स मारे या लेग्स का वर्कआउट करें, क्योंकि अगर आप हैवी मारते हो तो आपको सपोर्ट की जरूरत बहुत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में सपोर्ट नहीं लेनी, तो इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे। बैठ जाओ अगर आराम से 6-7 महीने के लिए घर पे, तो कोई फायदा नहीं है। सपोर्ट लेके मारो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आप बिगनर हो तो आप जब जिम स्क्वाट्स मारो तो मेक श्योर आप स्मिथ मशीन का यूज कर सकते हो, ताकि इसमें आपको इजिली उठाने में मदद मिल जाए और आपको सपोर्ट मिल जाए अच्छी तरीके से, और आप लिफ्ट कर पाओ और आपका लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट आराम से हो जाए विदाउट एनी इंजरी। तो मैंने एक्सरसाइज जो कर रहे हैं आप, ये लेग प्रेस। काफ्स की एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। देखिए अगर आपके जिम में काफ्स की मशीन नहीं है तो आप सिंपल इस तरीके से सीढ़ी वगैरह या किसी बेंच पे खड़े होके ऊपर जाके इस तरीके से मारे आराम से, फुल ऊपर जो काफ मसल आपकी स्क्वीज करनी है आपको। तो एट द एंड काफ्स की एक्सरसाइज करने के बाद आपका ऑलमोस्ट लेग का वर्कआउट डन हो जाएगा। बिगिनर हो तो आप इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो। अपने कंप्लीट लेग्स वर्कआउट के लिए वीडियो अच्छी लगे तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का स्टेट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड।